स्पेंसर जॉनसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रेजेंट की कहानी है, प्रेजेंट की अर्थात वर्तमान की, और दूसरे अर्थ में प्रेजेंट का मतलब उपहार, अर्थात वर्तमान के उपहार की और वर्तमान के उपयोग की। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहानी के द्वारा ये बताया है कि वर्तमान के क्षण का क्या महत्व होता है और उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। इस कहानी में एक युवा व्यक्ति है जो हर वक्त अपने वर्तमान से भाग रहा होता है, अपने वर्कप्लेस पर, अपने रिलेशनशिप में, अपने कैरियर में, अपने सोशल रिलेशन में, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है उसका, और इस कारण से वो चिड़चिड़ा सा रहता है, गुस्से और निराशा से भरा रहता है, पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है और फ्यूचर के बारे में सोचकर डूब जाता है, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत भीरू हो जाता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो हर वक्त खुश रहता है। वो जाकर उससे उसकी खुशी का कारण पूछता है कि आखिर कैसे खुश रह लेते हो। बूढ़ा आदमी उसको जवाब देता है कि मेरे पास द प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट तुम्हारे पास भी है, बस उसको तुम्हें खुद ही खोजना पड़ेगा। युवक कुछ दिनों तक इस द प्रेजेंट को खोजता है पर वो उसे पा नहीं पाता है, उसको समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या है ये। फिर वो उस बूढ़े आदमी के पास आता है और पूछता है कि आखिर क्या है, मुझे बताया जाए। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि द प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान के क्षण का भरपूर उपयोग, इस पल में रहना और इसके हिसाब से जो भी सही हो उस कार्य को करना। वर्तमान में रहने का अर्थ है उस समय का उपहार जो आपको मिला है उसे एप्रिसिएट करना। अगर आप उसको एप्रिसिएट करते हो तो आप ज़्यादा इफेक्टिव होते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो और ज़्यादा खुश रह सकते हो। युवक अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका सिर, जो हमेशा अतीत के दुख निराशा के बोझ से भरा रहता है, वो हल्का होने लगता है और उसको भविष्य की जितनी दुश्चिंताएं थीं, जिसको सोचकर वो वरीड हो जाता था, वो भी छोड़ने लगता है और अपने वर्कप्लेस पे, अपनी ज़िंदगी में वो एनर्जेटिक फील करने लगता है और उसका दिमाग लाइट रहने लगता है। वो थोड़ी थोड़ी बातों पे अब चिड़चिड़ा नहीं रहता है। लेकिन जब भी उसको कोई मुश्किल आती थी तो वो परेशान हो जाता था और उस बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैं मुश्किल वक्त में परेशान सा हो जाता हूँ। बूढ़े आदमी ने उसको बताया कि अगर आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हो तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी सही है, उस पर फोकस करोगे तो लाइफ सही होने लगेगी। ये धीरे धीरे युवक अपने जीवन में द प्रेजेंट के उस उपहार को उतारने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने लगता है। अचानक उसे एक दिन ये पता चलता है कि जिस बूढ़े आदमी से वो हमेशा गाइडेंस लिया करता था, वो बूढ़ा आदमी मर गया है। जिस दिन उसे ये पता चलता है, वो बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके माथे पर जो गाइडेंस उसको मिलती थी, जो उसको मार्गदर्शन मिलता था, अब देने वाला कोई नहीं रह गया है। फिर उसको एहसास होता है कि आखिर किसी न किसी दिन इस बूढ़े आदमी को मरना था, लेकिन तत्काल उसे यह एहसास होता है कि अभी के समय में उसने मुझे एक उपहार दिया है जो है द प्रेजेंट का उपहार, और वो अपने लेसन्स को रिकॉल करता है, रिमाइंड करता है। उसके लेसन्स में उसने पाया कि चार लेसन हैं जो बहुत कीमती हैं। पहला, बी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहो और जो कुछ भी वर्तमान में सही है उसके अकॉर्डिंग करो, और आज के दिन, आज के समय में क्या इम्पोर्टेंट है उसको सोचो और उसके अनुसार काम करो। दूसरा, लर्न फ्रॉम द पास्ट, अतीत से सीखो और अतीत में जो भी गलतियाँ की हैं उनसे सीख करके आगे बढ़ो। अतीत में जिस तरह से रहे हो उस तरह से वर्तमान में रहने पर, तुम अतीत में जिस तरह से रहते आए हो उसी तरह से भविष्य में भी रहोगे।
अगर अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हो तो अपने वर्तमान को अच्छा करना पड़ेगा। तीसरा, हेल्प क्रिएट द फ्यूचर। अपने भविष्य को बनाने में खुद की मदद करो। अपने भविष्य के सुंदरतम पहलू को इमेजिन करो। एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। एक रियलिस्टिक प्लान मतलब जिसे अचीव किया जा सके उसे बनाओ, और उसको पाने के लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करते रहो, जिससे कि वो प्लान एक दिन सक्सेसफुल हो जाए। रियलाइज योर पर्पस। अपनी जिंदगी जीने का मकसद रियलाइज करो और आगे बढ़ो। जब तक तुम्हारी जिंदगी में जीवन जीने का एक पर्पस नहीं होगा, तब तक तुम जिंदगी को यूं ही बोझ की तरह जीते रहोगे। इन तमाम लेसन्स को रिकॉल करता है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाता है। जहां पर वो बैठता था वहां पर उसने द प्रेजेंट लिखवा लिया, और जब भी उससे उसके कुलीग पूछते थे तो उनको ये कहानी बताया करता था। धीरे धीरे उसकी कंपनी आगे बढ़ने लगती है और वो काफ़ी मुनाफा कमाता है, और धीरे धीरे वो रिटायरमेंट के एज में आ जाता है। तब उसको एहसास होता है कि अब वो बूढ़ा आदमी हो चुका है, और उसको फिर से द प्रेजेंट के उपहार अन्य युवकों को, अन्य लोगों को देने की ज़रूरत है। और अब वह बूढ़ा आदमी दूसरे लोगों को द प्रेजेंट का उपहार देने लगता है। दोस्तों, यह पुस्तक बहुत ही छोटी पुस्तक है, 100 पेज की है। अगर आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक से आपको कुछ सीख मिली होगी और आप अपने वर्तमान और वर्तमान से जुड़े भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। धन्यवाद।